Yo, guys, finally we are playing Assassin's Creed Mirage अपने Asus Curve F15 के ऊपर। आज इसका रिव्यू देने वाला तुमको गेम प्ले दिखाऊंगा और जैसे कि तुमको पता है गाइस, ये वाले गेम मैंने पहले कभी नहीं खेला, ये मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है लाइक यू गाइस। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। तो भाई चलिए फटाफट इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक बार मैं अपना लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप उसको देख लो, उसके हिसाब से आप इसको जज कर लेना, ठीक है। तो अब बारी भाई सेटिंग चेक करवा रहे थे कौन सी सेटिंग के ऊपर इस गेम को अपन आज खेलने वाले, आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये जो गेम आया है लो या मीडियम का मिक्सचर आप देख लो यहाँ पर बना हुआ है पूरा, और FSR 2 इसके अंदर जिसको मैंने क्वालिटी के ऊपर कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया गेम लगाते हैं, पहली बार खेलने तो नया गेम ही हमें लगाना पड़ेगा। ओके सो गाइस फाइनली अपना गेम यहाँ पे चालू हो गया है और अपन चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं बाहर और एक काम करते हैं आपके बैनर को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस आपके बैनर यहाँ पे लग चुका है, आप परफॉर्मेंस सामने नोटिस कर सकते हैं और सही परफॉर्मेंस मिल रही है यार अभी तो फिलहाल तो। ओके कि असैसिन क्रीड का भाई जादू है, कहीं पर भी जा सकते हो आप, पार्कर बहुत अच्छा रहता है इस गेम के अंदर। आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ, और देख सकते हो गेम सही चल रहा है, 60+ FPS मुझे देखने को मिल रहा है जिस सेकंड के ऊपर इस गेम को मैं चला रहा हूँ। और FSR 2 का आई थिंक मैंने रखा है क्वालिटी मोड के ऊपर, लेकिन परफॉर्मेंस उसके बाद भी बहुत अच्छी लग रही है। गेम जरा सा भी आपको ब्लर वगैरह नहीं लिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स बहुत अच्छी है गेम के अंदर, जो की काफी अच्छी बात है और स्मूथ है गेम। दिस इज द ट्रायल वर्जन ओनली, नॉट द फुल फ्लेज गेम। ओके इतना दिमाग में रख लेना, आप भी इस गेम को ट्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो आप भी इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। यूबीसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आपके पास लॉन्चर भी यूबीसॉफ्ट का तो भी आपको ये वाला गेम खेलने को मिल जाएगा, या एपिक गेम्स के ऊपर भी आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला गेम ट्रायल वर्जन, तो वो जाके आप देख लेना आपके हिसाब से, ट्राई जरूर करना इस गेम को, गेम काफी अमेजिंग है। असैसिन क्रीड सीरीज का गेम, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये गेम वैसे छोटा भी बहुत है। प्रीवियस वर्जन जो था असैसिन क्रीड सीरीज का वो आई थिंक 140 GB का है, ये तो लगभग 40 GB का ही है बस, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये गेम कितना छोटा है भाई। और मेरे लैपटॉप का यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज मेरा लैपटॉप का सीपीयू यहाँ पे यूज ज्यादा हो रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गर्मी काफी आ गई है हमारे वहाँ, ईगल विजन किसको देखना है मुझे, कहाँ जाना है भाई। यार गेम फिलहाल तो काफी अच्छा लग रहा है और ग्राफिक भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं गेम के। काफी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ मैं यार, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, वर्क ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर देना। अबे भाई मैंने चोरी करी लेकिन हुई नहीं चोरी, और उन लोगों को पता लग गया तो वो मेरे पीछे भाग के आ रहे हैं, सो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा ऑफकोर्स, अगर जान बचानी भाई तो भागना तो पड़ेगा, और हम वही कर रहे हैं। आई थिंक ये इजिप्ट के अंदर बना हुआ है गेम ऐसा लग रहा है मेरे को तो वैसे ही लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, मेरे को देखना पड़ेगा, किसी को पता है तो कमेंट करके बता दियो। अबे चोर है भाई ये, तो चोरी करता है बसीम भाई, अपने चोर है बसीम भाई को चोरी करना बहुत पसंद है। और भाई ये सीपीयू का टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान मत देना भाई, ये असल में कम है, इसके ऊपर इतना ध्यान तुम मत देना, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप के साथ। जो मेरा रूम है जहाँ पर ये वीडियो भी शूट हो रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर है रूम का लगभग 27 डिग्रीज है, तो आप उसको अंदाजा लगा लेना एम्बिएंट टेम्परेचर की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। यार थोड़ा सा एक्शन करवा दो, अब इस गेम के ऊपर तो मैं काफी वीडियो बनाने वाला हूँ भाई। ओके अब थोड़ा बहुत एक्शन होगा यहाँ पे, चलो बहुत बढ़िया, इसको भी मार देते हैं साला, ये क्यों खड़ा हुआ यहाँ पे। यार बढ़िया गेम है यार, लेकिन महंगा इतना यार, क्या परचेस नहीं कर सकते। असैसिन क्रीड वेलहला है मेरे पास, लेकिन मैं उस गेम को बहुत कम खेला यार, और मुझे लगता है कि मैंने उसके ऊपर पैसे बर्बाद किए क्योंकि मैं इस गेम को खेलता ही नहीं हूँ। आई थिंक ये वाला मेरे को परचेस करना था, ये मेरा कैस वाला गेम मेरे को लग रहा है जैसे मुझे पसंद है। चलो भैया इसकी जो फाइटिंग है वगैरह, इसकी जो फाइटिंग है पार्कर के मूव्स आई थिंक जो ब्लैक फ्लैग आया था उससे लिए गए, और काइंड ऑफ ये वाला गेम मेरे को उससे सिमिलर लग रहा है। नो डाउट गेम बहुत स्मूथ है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम बनाया भाई यूबीसॉफ्ट वालों ने, और चेंज मैं ऐसा कह रहा हूँ, वरना यूबीसॉफ्ट वाले इतना अच्छा गेम बनाते नहीं है, उनके गेम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हमेशा होती है। चलो ये देखो सीन बहुत अच्छे है भाई, फाइटिंग के मूव्स काफी अच्छे हैं इस गेम के अंदर, अमेजिंग है, मजा आया, मजा आ रहा है भाई खेलने में गेम। आई थिंक मैंने इतने सारे बंदों को मार दिया यहाँ पर, मस्त चोरी वोरी करना है अपन, किसी राजा वजा का किला दिख रहा है मेरे को ये, और ये ऊपर बता रहा है जाने को। ऑफकोर्स आई हैव ईगल विजन भाई, मैं देख सकता हूँ कहाँ मुझे जाना है। ओके आई थिंक सामने चलते हैं, बस ये दरवाजा खुला हो, दरवाजा बंद है, चलो जाओ तुम भी। ये तो वही डोर है ना जो बाहर से लगा हुआ था, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, सामने बंदा खड़ा हुआ यार, चलो आके जाओ। इधर से तो मैंने सभी चुरा लिया है, नीचे चलते हैं। यार 2 घंटे का ट्रायल दिया है इन्होंने, बस ज्यादा देना था यार, 2 घंटे में क्या ही खेलेगा आदमी, 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता यार। चलो दरवाजा तो खुल गया ये वाला,
और MSIF के बंदे मैंने सामने लगा दिए, तुम सारी परफॉर्मेंस को सामने नोटिस कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता भाई कि मैं लो सेटिंग्स से ऊपर जाऊंगा इस गेम के अंदर, बिकॉज गेम फिर इतना स्मूथ चलेगा नहीं। 60 FPS अभी मिल रहा है गेम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है भाई। उधर जाने का क्या, सामने आप खुद देख सकते हो गेम अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो इसको स्मूथ ही रहने देते हैं, ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ हम नहीं करते। लो भाई आ गए हम, कुछ ना कुछ चुरा के तो लाए भाई, रोशन भाई कुछ ना कुछ तो हम चुरा के लाए। असैसिन क्रीड वाले कपड़े भाई फाइनली। चल चल तो सही भाई, डर क्यों रही है इतना, मैं हूँ तो सही तेरे साथ भाई। इस गेम को सच में खेलकर पुराने वाले असैसिन क्रीड की याद आ रही है यार, कसम से वैसी वाइब आ रही है। इतना स्मूथ चल रहा है ना ये गेम, लाइक पुराने वाले जो चलते थे वैसे ही चल रहा है एकदम। और मुझे लगा नहीं था भाई मिराज चलेगा मेरे लैपटॉप के अंदर, लेकिन इजीली चल गया यार। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आई थिंक सामने ले जा रही है मुझे ये, या मैं इसे लेके जा रहा हूँ। आई थिंक कुछ खतरनाक एक्शन होने वाला है यहाँ पर भी। यार कितना शानदार पार्कर करते हैं यार ये लोग, काश पार्कर इतना ईजी होता कि सब लोग इसको कर पाते, लेकिन बहुत मुश्किल है यार। लो भाई सुबह से रात हो गई है, वो गाना गा रही पास वाली आंटी, और हम चढ़ रहे हैं ऊपर। लेट्स गो, मज़ा आ रहा है यार गेम खेलने में। निहाल चल रही है आगे, पर लेके आई गई देखो भाई बंदी इसके अंदर। मेरे को लगा था पकड़े जाएंगे, अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ, फिलहाल हम नहीं पकड़े गए। छुप जाओ भाई, इसको लीड करने दो भाई, इसको जान दो आगे, फंसेगी भी तो ये फंसेगी, मैं बच जाऊँगा। चलो अपन दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कहीं जाने का। ईगल विजन का है भाई, मेरे को गार्ड के पास जाना पड़ेगा। इतने सारे गार्ड को कैसे मारने का यार, उसके पास हथियार भी बहुत बड़ा है भाई। ये दो उसके चमचे घूम रहे हैं इसके पीछे, एक बार ट्राई करता हूँ मारने की इनको। चल बे, बसीम भाई ने सबको मार दिया भाई, बड़ा वाला बचा है। अरे बड़ा वाला भी नकली निकला यार ये तो। मे भी यहाँ से कुछ रास्ता मिल जाए अपने को जाने का, यहाँ पर कुछ मिल जाए। इन सबको मारता हुआ आया हूँ मैं। अबे वो सब नीचे खड़े, उनको पता नहीं लग रहा है कि लाशें पड़ी हुई यहाँ पे, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो बढ़िया है। चल बे हट यार, इस गेम को पूरा खेलने का मेरा मन कर रहा है यार, लेकिन क्या करूं यार, 2 घंटे का टाइम मिला है बस, और हम इतनी लंबी वीडियो बना भी नहीं सकते। सो थैंक्स से गया राशि वीडियो में नहीं था, ये था असैसिन क्रीड मिराज का रिव्यू अपने Asus के F15 के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहां पर एक से एक वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। गाइस मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।